नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, लहसुन का इस्तेमाल तो आप सभी जरूर करते होंगे और आमतौर पर लहसुन का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है, लेकिन आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि लहसुन एक औषधि भी है। लहसुन असल में एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके औषधीय गुणों की वजह से इसे खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। और शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि जब कोई लहसुन को कच्चा चबा चबा कर इसका सेवन करता है तो ये हमारे शरीर में 10 गुना ज्यादा प्रभाव दिखाता है। और सर्दी जुकाम से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी में भी हम लहसुन का इस्तेमाल करके उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर आप लहसुन का सेवन नहीं करते हैं या आप लहसुन के फायदों के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 2 या 3 कलियां अच्छे से चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपके शरीर के कई रोग पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सेवन खाली पेट ही करते हैं तभी ये फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए करते हैं कच्चा लहसुन खाने के फायदों की बात। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इन छोटे छोटे घरेलू उपायों का असर एक दिन में तो नहीं ही होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आजमा कर तो देखिए। पहला फायदा, हार्ट की समस्या में फायदेमंद। लहसुन दिल से संबंधित समस्या को दूर करता है। लहसुन का सेवन हमारे शरीर में खून का जमाव नहीं होते देता, जिससे दिल के दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही लहसुन को शहद के साथ खाने से हमारे दिल की धमनियों में जो फैट जमा हुआ होता है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है और इस कारण हमारे दिल से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती है वो खत्म होने लगती है। दूसरा फायदा, ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी। ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लहसुन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है और लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होता है। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें तो रोजाना लहसुन खाना चाहिए। तीसरा फायदा, पेट की समस्या दूर करता है। ये पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि गैस, अपच, खट्टी डकार, डायरिया आदि सभी की रोकथाम में लहसुन बहुत उपयोगी होता है। और इसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट 2 या 3 लहसुन की कच्ची कली चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से डायरिया और कब्ज में आराम मिल जाएगा और साथ ही ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। चौथा फायदा, पाचन से जुड़ी समस्या। आपका जो पाचन तंत्र है यदि उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो आप सुबह खाली पेट लहसुन की कच्ची कली चबा चबा कर खा सकते हैं। ऐसा करने पाचन शक्ति विकसित होती है और भूख भी बढ़ती है और आपका पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और उसे ताकत मिलती है। पांचवा फायदा, तनाव को दूर करे। साथियों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये लहसुन तनाव को भगाने में भी मददगार होता है। होता ये है कि कई बार हमारे पेट में कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं जिनसे हमें घबराहट होने लगती है, टेंशन होने लगती है। अगर आप सुबह खाली पेट का लहसुन का सेवन करते हैं तो ये लहसुन आपके पेट में होने वाली गड़बड़ियों को रोकता है और इस कारण होने वाला तनाव या टेंशन दूर हो जाते हैं। तो अगर आप भी अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में खाली पेट लहसुन का सेवन करना ना भूलें। छठा फायदा, दांतों के दर्द में फायदेमंद। साथियों, ये लहसुन बड़े ही काम की चीज है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण भी पाए जाते हैं। और अगर आपके दांतों में दर्द है तो उस लहसुन को चबा चबा कर खाएं और इसे उसी दांत पर रख दे जिसमें दर्द है।
ऐसा करने से आपको दांत के दर्द में तुरंत राहत देखने को मिलेगी। सातवां फायदा, सर्दी जुकाम से राहत देता है। लहसुन सांस से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम भी करता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, इन सब के इलाज में लहसुन का सेवन कारगर साबित होता है। इन सब के इलाज में लहसुन दवा का काम करता है। और अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता ही रहता है तो आपको सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन जरूर खाना चाहिए। अगर आप हर दिन सुबह खाली पेट लहसुन की 2-3 कच्ची कलियों को चबा चबा कर खाते हैं तो आप कई रोगों से बचे रह सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी लहसुन खाने के फायदों की बात। यूं तो लहसुन के ढेरों फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको लहसुन के कुछ ही फायदों के बारे में बता पाए हैं। अगर आप लहसुन के फायदों के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम किन्हीं 2 दर्शकों के नाम के साथ वीडियो प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। डिस्क्लेमर: वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपके सामान्य ज्ञान के लिए ही है, किसी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह नहीं है। मानना या न मानना आपके विवेक पर निर्भर है। BR GKpedia किसी तथ्य की पुष्टि का दावा नहीं करता है। पुष्टिकरण के लिए किसी विशेषज्ञ अथवा योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।